हमारे कल से इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोगों ने दुआएं खैर करनी है। चमकने दमकने जा रहे हैं। घड़ी आ गई है जिसका मुझे इंतजार था कि मेरे बाल वॉश हो रहे हैं। जो हातिम में हुबो नहीं आता उसके जैसे बाल होते हैं ना, ये वो करवाने लगी है। मेरी इन दुआओं में मैं शामिल करना चाहती हूँ आप सब लोगों को। अल्लाह ताला तुम्हारे आगे नसीब अच्छे करे। जो सबसे भूखी, जिसको सबसे ज्यादा केक चाहिए था, क्रीम खिला रही हो, केक नहीं खिला रही। आज का दिन जो है वो शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन, बहुत ही जमील, बहुत ही शकील, बहुत ही मनीर भाई। आप लोग सोचोगे आज सुबह सुबह इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? जी हाँ, तो मैं उठ चुकी हूँ बहुत जल्दी। आज मैं 11 बजे उठ गई थी, आज क्योंकि कल से इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं तो मुझे उसकी तैयारियों में सुबह जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि अब अगर मैं जल्दी नहीं उठी ना तो मेरे इवेंट्स पे जो है ना वो पानी फिर जाएगा। आज बहुत सारे काम है करने को। आज का दिन हमारा कैसा गुजरता है ये सारा मैं आपको आज दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। उसी चीज जो मैं आपको बताई थी कि अभी मैं इतना बन सफर के जो तैयार होकर खड़ी हूँ, यस तो आई एम रेडी टू गो। और मैं जा रही हूँ सैलॉन में, सबसे पहले वहां जाके अपनी सर्विसेज लेंगे। मेरे साथ कौन कौन जाता है आज ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद वापस आके हम लोगों ने दुआएं खैर करनी है, उस तरह की जो है वो एक मम्मा ने कहा है कि रात में हम छोटी सी एक रख लेंगे खुद ही सब फैमिली मेंबर्स और दुआएं खैर करते हैं, क्योंकि कल से इंशाल्लाह 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 इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली और आप लोगों को जो है ना वो बड़ा मजा आने वाला है। तो I'm super excited actually. तो अभी हम लोग निकलते हैं सैलॉन के लिए, नाश्ता वाश्ता करते हैं, गैस सीन पार्ट होता है, जैसे जैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। अभी तो लेट्स गो, आज आज हीरा फैसल बोल रही है बहुत ज्यादा क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। सैलॉन वाली से अपॉइंटमेंट थी 12 बजे और वो हमारी ड्राइवर है और वो मुझको डांटने वाली है। इसलिए मैं एकदम डर गई हूँ। मैंने कहा ये बुला इधर, मैं जा रही हूँ कि गाइस हीरा मुझे डांट रही है क्योंकि बारह बजे का, एकदम मैं डर गई हूँ यार। यार मम्मा आप नहीं जा रही? जा रही ये क्या? ये तेरे लिए नाश्ता। तू कौन? आपने भी जाना साथ? हाँ जी। अभी? हाँ जी। तो पोज देना बंद करो, निकलो, लेट हो रहे। इधर काम चेक करो मेरी माँ के, अंडे शंडे भी साथ पैक कर लिए, दूध शूध भी पैक कर लिया है। आज इतना ख्याल है अपनी बेटियों, माए सबकी बहुत ख्याल करती हैं, माए सबकी बहुत प्यारी होती हैं। ये देखें पापा इधर बैठे धूप सेक रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ना हर जगह, मैं तो कहती हूँ पूरा पूरी सोसाइटी ले लें और पूरे पौधे लगा लें और बैठ जाया करें आप अपनी सोसाइटी। देखे मैं बैठा हूँ, आप गाड़ी लेके जाने, मैं भी निकल लगा हूँ तो मैं ये साफ करवा रहा हूँ। ये प्यारी गाड़ी मोटी साफ करवाते रहते हैं, देखो चमक रही है। वो भी चमक रही है धूप की वजह से। अभी हम लोग निकलने लगे हैं बस यहाँ से, फिर लेट्स गो होते हैं। चलें जी, हमारा ड्राइवर आ चुका है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग देख रहे थे कि मेरे बालों को चार दिन से मैं एक ही वो करके फिर रही हूँ, आज फाइनली हम अपने बाल धुलवा देंगे। आज हम वही सारे हेयर सर्विसेज वगैरह लेने जाएंगे। कौन नहीं आ रहा? मम्मा जैनब आपकी बेटी वो आउटलाइन ऐसे लगा रही है जैसे पता नहीं उसकी शादी है। अभी सर्विसेज लेने जा रही है। अब अंडे देते, चले अंडे शंडे खाते। चले जी, ये मोहतरमा भी आ गई। मानो हेलो। थैंक यू मॉम, मेरा अंडा मुझको मिल चुका। मम्मा मैं दो ये देखे मैम, अब चलते हैं भाई, लेट्स गो। जो हीरा के गाड़ी पे लगेंगे गाने और मेरी गाड़ी पे लगेंगे लोकेशन, तुम्हारी सॉरी फोन पे लगेंगे गाने, मेरे पे लगेंगे लोकेशन। मैं जैनब के लिए अंडा बनाना भूल गई, अब अपना मुझे जैनब को ये लो। नहीं हीरा से ले लो, अपना दे। आर यू गाइस रेडी? यस रेडी, यस रेडी, यस। किस लिए रेडी हो? चमकने दमकने जा रहे हैं आज, चमकने। वेरी वेरी एक्साइटेड। अंडे शंडे खा लिए, सीधा जा रहे हैं सैलॉन और वहाँ पहुँच गए, आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। ये इसके काम चेक करो, इसने गाड़ी कहाँ लगाई है? हीरा खंबे गया थोड़ा और, मेरा ख्याल से खंबे गया था कि मैं तो निकल ही ना पाऊँ, जिसकी शादी वो गाड़ी में बैठा रहे तुम लोग सर्विस करा के। पापी निकले तुम मत निकलना। हाँ सिर्फ पापी की बारी है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं सैलॉन, बाकी आते हैं अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मम्मा तो ऐसे शीशा देख रही है जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। जो ये लोग हैं ये लोग अपनी सर्विसेज डिसाइड करा रही है और मैं सुकून से बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या करना है। ये लोग सोच के नहीं आई इन्होंने क्या करना, मुझे पता है मैंने क्या करना। सबसे पहले तो मैंने बाल धुलवाने, उसके बाद कुछ और करूँ।
फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे इंतजार था पिछले 3-4 दिनों से कि मेरे बाल वॉश हो रहे हैं, तो अब वो होने लगे। चलें जी, मेरे बाल हो गए हैं जी वॉश। ये देखें क्या बाल लग रहे हैं ना, वॉल्यूम आ गया। जो हातिम में हुबो नहीं आता उसके जैसे बाल होते हैं ना, ये वो करवाने लगी है हातिम में। जो लग रहा है ना, चुभ रहा है ना। मम्मा भी उधर बैठ के आराम से अपनी सर्विसेज ले रही हैं। मानो अगर बुरी लगी ना तो मेरी शादी में मत आना। चले जी गाइस, अब मैं आ गई अपने नेल्स करवाने के लिए। पहले तो इन लोगों ने मेरे नेल्स को अच्छा खासा, मेरे हाथों को टुंडा किया, मेरे नेल सारे काट दिए हैं, ठीक है। ब्रेक मार फेरे हैं ऊपर। ऐसे ना मिस्त्री ना जब टाइलें रगड़ रहे होते हैं ना, रगड़ाई करते हैं तब कर रहे होते हैं। ये मेरे नेल्स के साथ अभी सेम वही हो रहा है। अभी इस पे सीमेंट लगेगा, फिर इस पे टाइल्स लगाएंगे वो। हाँ, और फिर उसके ऊपर पॉलिश होगी। पॉलिश नहीं, इसके ऊपर वो होगा पेंट। ये डिस्टेम्पर कर रही है अभी हीरा के नेल्स का, दिखाओ तो हल्के फुल्के। हाँ, हीरा ने बनाए गाइस, इसने चूचे बनाई है, आलमंड शेप। बादाम खाया कर, दिमाग से जोर पा, नवा जना पा। चलें, ये अब मेरे नेल्स हो जाएंगे रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी, ये मानो जो है ना वो बूढ़ी होके आ गई है मुझे। और इधर देखें, इसने एक बिल्ली को गोद लिया है, बिल्ले को, सॉरी बिल्ले मेरे पास। और ये बिल्ला जो है ना, ये बिल्ला उसको काटने के दांत कितने क्यूट है, काट लो। ये देखो जरा, ये बत्तमीज मानो के पास है, ये मानो के साथ लड़ रहा है इस वक्त। हाय अल्लाह, जब भी हम सैलून आते हैं या कुत्ता पड़ता है, बिल्ली पड़ती है, मानो वो दांत मार देगा पता है मेरी शादी पे। फिर तो कुछ भी नहीं होता है, देखो ना क्यूट है। चलाक बिल्ला तेरे जैसा। बालों का क्या करवाया मानो? यार आप ही अभी चुप हो जाए, दूसरा अच्छे लग रहे हैं। वैसे मुझे लगा तुम बैंगन बन के आओगी, लेकिन तुम तो ब्रिंजल बन के आ गई। अब मानो के भी नेल्स हो रहे हैं और मेरे भी नेल्स, ये देखो हल्की आंच पे डन है। खेल ले तो उसको, उसका काम है। वो काका लग रहा है, जुहान लग रहा है इधर। जुहान का पारा भाई अल्लाह। मानो वो तुम्हें ऐसे खा, वो बेसिकली तुम्हारे नेल्स के साथ खेल रहा है। इसने अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया हुआ और सब लोग मेहमान आ गए, क्योंकि घर जाके हमने दुआएं खैर करवानी है। चलो जी गाइस, मेरे नेल्स सारे डन हो गए हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखे मेरे नेल्स, ये मैंने करवा ली है अभी। बहुत ही प्यारा शेड, माउस ब्राउन कलर। और ये मानो है, ये पूरी माउस है, ठीक है, माउस है। और इसके नेल्स जो है, भाई अल्लाह, ये तो इस वक्त पक्का जुहान की हरकतें कर रहा है। वो भी ऐसे चाय के पीछे पागल, खाली कप है और उसको चाटी जा रहा है। अब पीना क्या निकालना इसमें से? जेरी जेरी, व्हाट यू वांट? जेरी चट कर गया पूरी चाय, पत्ती भी खा जा। चले अब मैं यहाँ से जाती हूँ नीचे। नीचे मामा की, हीरा की, इन सब की सर्विसेज हो रही होंगी। जल्दी आप ही करो, मेरा बस होने वाला है। मानो तुम्हें अभी घंटा लगेगा, मुझे पता है ना। घंटा ना बोले, मुझे पहले हार्ट अटैक का मार है। अब मैं हो गई यहाँ से फ्री, अब चलते हैं नीचे, लेट्स गो। यहाँ पूरा सैलून बंद हो चुका है, मैं नीचे आई हूँ। और ये देखें जरा, ये नहीं मिल तेरे साथ क्यों? सुबह से लेके शाम कर दी, क्या किया है? सारा फेशियल आपने कराया, मैनी पेडी आपने कराया, लेजर ट्रीटमेंट आप हो गया, फ्री हो गई तो नींदे पूरी करें। तूने दुआएं खैर करनी, तेरी खैर इधर ही हो रही। मेरी खैर मम्मा करेंगी ना जाके सारी। आपको पता है राबिया की फ्रेंड्स, फातिमा उसकी, जैनब की फ्रेंड्स आके बैठी हुई हैं। फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी ये नेल्स के प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया। हीरा कहाँ है? छोटे से हैं मेरे, देखें पूरे प्यारे के, देखें नेल्स, देखो मेरे। गाइस आप सोचोगे कि यहाँ क्या हुआ, ये मेरा बहुत बुरा हाथ लगा था जिसपे जो है ना वो नील पड़ गया। तुम्हारा कद नहीं जितने नेल लगवा, बस करें इतना भी नहीं छोटा मेरा कद, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ अच्छा, अच्छी खासी, पता नहीं मम्मी नाशुक्री हो रही है एकदम, मैं अपनी औलाद को छोटा कह रही है। हमारी यहाँ से हो चुकी हैं सारी सर्विसेज डन, मेरी आईब्रोज रह गई थी, मैंने वो भी सारी चीजें करवा लिया, आईब्रोज अपर लिप सब हो गया। अब बस घर जाना है मेरे को, घर जाना है मेरे को, घर जाना है। घर में मेरी दुआएं खैर है और मुझे लग रहा है कि मेरी खैर नहीं है। चल जेरी भाई, भाई तूने बहुत अभी फिर पंगे ले रहा है, मोटा पाँव कुत्ते का गया, अंदर बिल्ली है। वाह वाह वाह, क्या सोयागा आपका, शादी पे आना मेरी, ठीक है आ जाना। आओगे? मानो नेल्स मारेगा वो तुझे, इतने भी नहीं पड़े, बड़े हैं उसके। चलो चलो मम्मा को उठाएं, मम्मा ने अपनी नींद पूरी कर दी। चले जी, हम हो गए यहाँ से फ्री, अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। ज़ैनब अपने लेसेस बंद करो, ऐसे गिरेगी ना फिर मुँह के बल, फिर रोएगी। तेरी तो आज खैर 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 कर मम्मी, क्या डांटोगी मुझे? मैंने टाइम नहीं लगाया ज्यादा, मैं बता रही हूँ। यार पता है क्या, ये हो गया हमारे साथ, लेट हो गया, अब क्या करें, जाके कुछ करेंगे। अम्मा ने मुझे कहना जाके कपड़े चेंज करके आ, दुपट्टा लेके आ, सब चीजें। हीरा का यार तुम जिन की तरह मानो मुझे लगी हो यहाँ पे, क्या मसला? चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, लेट हो। चलें जी गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब जाके जो है वो खाएंगे पहले खाना शाना, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। खाना शाना खा के उसके बाद होते हैं दुआ खैर के लिए रेडी।
सो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार और आपको पता है कि मेरी फैमिली भी हो गई है तैयार और रात क्योंकि काफी लेट हो गई थी, सुबह हमारा इवेंट था तो सब लोग जो है उन्होंने बहुत छोटा सा एहतमाम किया है मेरे लिए और वो सब लोग बाहर मेरा वेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अभी बुलाया तो अभी हम लोग वहां पे चलते हैं, देखते हैं सूरत हाल के किस तरह से की जाएगी, मतलब मेरी बहनों की तरफ से स्पेशली जो स्पेशल दुआएं होती है ना किसी भी दुल्हन के लिए, वो उसकी माँ और उसकी बहनें जो इस घर से आप रुखसत हो रहे होते हैं वहां पे रहने वाले अफराद जो है ना वो आपको बहुत अच्छी दुआएं देते हैं, लेकिन मेरी इन दुआओं में मैं शामिल करना चाहती हूँ आप सब लोगों को क्योंकि 3 मिलियन की मेरी जो फैमिली है ये बहुत प्यारी सी फैमिली है और इनकी दुआओं के बगैर भी मैं अधूरी हूँ। तो आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी खास 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 दुआओं में याद रखिएगा और मुझसे इसी तरह प्यार करते रहिएगा। अभी चलते हैं बाहर आपको दिखाते हैं, लेट्स गो। ओ माय गॉड, सो गाइस यहाँ पे सब ने एहतमाम किया है, वाह मेरी ए, मुझे तरफ कोई देख ही नहीं रहा है यार, जल्दी आओ जल्दी, दुल्हन आए, दुल्हन आ गई है दुल्हन के लिए यहाँ पे। ओए ये क्या है, ये तो मेरे वो निकाह की डेट आप लोगों ने लिखी हुई है। अच्छा माय गॉड, ये देखो इन्होंने ये भी रखा हुआ है, अरीब एंड इकरा स्पेशली हमारे लिए दुआ कराई है, वेयर इज अरीब। अरे ये तो सिर्फ लड़की की बहनों ने, मतलब लड़की के घर वाले ने वैसे ही सोचा था कि मिलके बैठ के थोड़ी सी, तो ये हमने हाँ मम्मा ने आज हमारा सारा बेस्ट विशेस दी जाए मिलके बैठ के। सबसे पहले वो पढ़े दुरूद शरीफ। हाँ दुरूद पाक पढ़ते हैं सबसे पहले, दुरूद पाक सब बच्चे पढ़ते। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सहबे वबारक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद। चले जी गाइज, हम लोगों ने दुरूद पाक भी पढ़ लिया था और कुछ हमने सुपारे वगैरह भी पढ़े हैं, दुआएं भी पढ़ी हैं और अभी ये मेरी बहन ने मुझे फूल गिफ्ट किया, अभी से गिफ्ट करना शुरू हो गई है, सर्दी में बैठी हुई है मेरी प्यारी बहनें। सब बहनों ने तुम्हें दिल से दुआएं दी हैं। क्या दुआएं दी हैं तुमने मेरे लिए, क्या दुआ? मैंने तो खूब सारी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे अगले घर जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियां दे, तुम्हें रोना पड़ना फातना ही मुश्किल हो जाऊंगा। मैं अभी नहीं रोंगी, मैंने अपने दिल में तहैया किया था कि मैं रुखसती से पहले ऑन कैमरा कभी भी तुम्हारी बात को लेकर नहीं रोंगी, ठीक है? अब जो जितना रोना, निकाह पे तो रोई थी तुम, वो तो रोना आ गया था, वो स्टार्टिंग था, बट अब रुखसती पे ही होगा जो होगा। अच्छा तो खैर मैं तो तुम्हें दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे आगे नसीब अच्छे करे, तुम्हारी मुश्किलें जितनी भी हों आसान करे, हमने कितने साल एक साथ गुजार लिए, अब जो है वो तुम्हारे अगले घर पे जाने की बारी है, अल्लाह तुम्हें वहाँ पे हर सफर हर चीज आसान करे। सब आमीन 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 कह रहे हैं, सबकी सेम दुआ, सेम दुआ। कितनी तुम गेम चोर हो, सेम दुआ करती हो मेरे लिए, दुआ भी कॉपी पेस्ट। हाँ दुआ भी कॉपी पेस्ट, हाँ दुआ भी का क्या मतलब? हाँ दुआ कॉपी पेस्ट किया तुमने, राइट किया उसने, मैंने लिखा तुम्हारे लिए। दुआ कोई एक पढ़ाता है और सब पीछे आमीन बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने अच्छा नहीं समझा कि कुछ है। ओ समझ गई, सबके विचार लेना चाहिए अपने अपने बात। ये दुआ इट्स अ काइंड ऑफ दुआ, तो यार अब यार केक भी काट लिया, दुआ हो गई है। और मेरी दुआ भी तो सुन, नहीं दुआ मम्मा जो इज्तमाई दुआ होगी हम सब में और हमारे 3 मिलियन की ऑडियंस में वो आप करवाएंगे। आवाज बड़ी प्यारी है इकरा, अपनी आवाज में वो दुआ सुनाएगी मुझे, सब मिलके पढ़ते हैं। अली कैरी करम मांगता हूँ, करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, फलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। ये देखें
इन लड़कियों की, इन लोगों ने मेरे लिए केक मंगवाया। इस बात में ले लेना प्लीज। अच्छा मेरी दुआ ये है वहाँ जाके आप अपने काम सारे खुद कर सको, आपको हिम्मत आए अपने सारे काम करने की, और वहाँ जाके अपनी अगली लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली और मैच्योरिटी से जियो। इधर तो वो सलाखों में और जेल में, नहीं इधर बच्ची थी ना, वहाँ जाके विमेन बन जाएगी। हाय ठूसी जा रही हो केक, अभी मैंने काटा भी नहीं। ये भूखी बहने होती है जो बस दुआएं खैर की याद करोगी जाके, यही छोटी छोटी। कल को तुम्हारे पास केक तो होगा लेकिन बहने नहीं होंगी। ओह अस्तगफिरुल्लाह फातिमा, मैंने भी काटा भी नहीं, उसको पता है कि आप ही ने अभी तक काटा नहीं। हीरा हीरा नो, हीरा की मैंने खानी है यार, हीरा ही मैंने खानी है यार। मेरी तो काट नहीं है। हां मेरी तो कोई दोस्त नहीं है। क्यों मेरी तो कोई केक नहीं ले रहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सबसे बड़ा खाया है मम्मी को, फिर उससे छोटी को, फिर उससे भूखी को, जो सबसे भूखी जो उसको सबसे ज्यादा केक चाहिए था। क्रीम खिला रही हो, केक नहीं खिला रही हो। उसने कान से पकड़ ली, वापस भी दे दो यार। वो देखो भूखी नंबर, वो कह रही मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, तुझे तो क्रीम मिली, उसे क्रीम भी नहीं मिल रही। आप सोचोगे कि जैनब नहीं है, गाइस जैनब अपने बाल का रंग करवा के उसके बाद ऐसा थकी है कि वो आते साथ सो गई थी, तो उसको उसका स्कूल है सुबह ब्रो, और वैसे भी उसको सुबह पेपर है, और पापा जब हम आए थे तो पापा सोए हुए थे। यार ये चेक करो मेरी बहनों ने क्या हाल कर दिया केक का, यार तुम लोगों ने क्या हाल किया। खत्म करो और मैं केक लेके जा रही हूँ वरना भूस जाएगा। यार ये मेरी अम्मा अब जाने लगी हैं और केक मम्मा ऐसे खा रही हैं जैसे अभी आप तो डाइटिंग कर रही थी मम्मा। इकरा के उसकी खुशी है ना शादी, हाँ शादी की एक्स्ट्रा खुशी है मम्मा को, इसलिए पूरा आज केक खाएंगी। सही है, राबिया की सर्दी से बुरी हालत हो रही है। सैड क्यों है मम्मा, बेटियों की शादी पे सैड नहीं होते, खुश होते हैं। सैड हो गया था केक खा के, सैडनेस है जाके मीठा खाया जा रहा है, मीठा खाया जा रहा है सैडनेस के मौके पे। मैं सैड हूँ। चले ये हमने एक मासी बुलाई है जिसने जो बेचारी खा पी उठ गई ने सारियां, तो गंद मेनू समेटना पै रहा है। आए गंद फातिमा को, गंद नहीं है फातिमा, ये कुशन है, बाकी सारी चीजें मामा ले गई हैं, हम लोगों ने बाकी सारी चीजें भी उठा ली थी, अब ये कुछ चीजें। बंद कर कैमरा, उठ के तो काम कर। अच्छा काम करा दुल्हन, ना मेनू ना काम कराओ। और सुबह आपको मैं बता दूं मजे की बात, मेरा जो सैलून का टाइम है ना वो है सुबह 12 बजे, और उस बंदी ने मुझे बोला है कि आप 10:30 घर से निकलना क्योंकि आप हमेशा लेट हो जाते हो। सही है, तो सुबह पता नहीं मेरी आंख खुलती है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मैं अभी तक काम कर रही हूँ। अब मैं गई हूँ चूंकि बहुत ज्यादा थक, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किए हैं, तो मैं करूंगी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा क्या यार प्रॉपर रेस्ट करूंगी, क्योंकि कल मेरी ढोलकी है और कल से है जी एस्ट्रोलॉजी, घर में प्रॉपर इवेंट्स की भरमार। ओह माय गॉड, ये मेरे कमरे में एक पार्सल, दो पार्सल, तीन पार्सल, चार पार्सल, पांच पार्सल, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब सारे पार्सल्स मेरे कमरे में मेरी बहनों ने फेंकवा दिए हैं कि बेटा तू इनको देख। अभी नहीं मैं किसी चीज़ को खोल रही क्योंकि मेरे पास इतने सारे पार्सल्स आए पड़े हैं और मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं रोज़ आपको दिखा देती हूँ लेकिन मैं खोल नहीं पाती। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली 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 मेरे 3 मिलियन प्यारे प्यारे लोगों, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।